नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 30 साल बाद इंडोनेशिया को पीछे छोड़ देगा भारत। 30 साल बाद भारतीय मुस्लिमों की आबादी इंडोनेशिया को देगी टक्कर। 30 साल बाद भारत में बसेगी मुस्लिमों की सर्वाधिक आबादी। इस वक्त देश के जो हालात हैं वो यही बयां कर रहे हैं कि वर्तमान में भले ही दुनिया के सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की आबादी इंडोनेशिया में बसती हो, लेकिन भविष्य में इंडोनेशिया की जगह भारत लेने वाला है। ऐसा हमारा नहीं बल्कि प्यू रिसर्च सेंटर का दावा है। असल में भारत की 130 करोड़ आबादी में 80% हिंदू है, वहीं तकरीबन 13% मुस्लिम समुदाय और 2% क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग। पड़ोसी मुल्क नेपाल को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी भारत में ही है। रिपोर्ट की माने तो 2010 में विश्व के 94% हिंदू भारत से हैं। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2050 आते आते हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो तकरीबन 1.3 बिलियन पहुंच जाएगी, यानी कि 1 अरब 30 करोड़। वही मुस्लिमों की जनसंख्या 311 मिलियन यानी कि 30 करोड़ 11 लाख हो जाएगी। और इसी के साथ भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। हालांकि इस मामले में अभी इंडोनेशिया सबसे आगे है। इसके पीछे की दो वजह हैं। पहली वजह यह है कि भारत में अन्य धर्मों के मुकाबले मुस्लिमों की जो जनसंख्या है वो तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यंग एज के हैं, जिसके चलते प्रजनन दर सबसे ज़्यादा है। और प्यू रिसर्च सेंटर का ये दावा है कि मुस्लिम समुदाय में औसतन जहां मीडियम एज 22 है, वही हिंदुओं में 26 और ईसाइयों में 28। और इसी तरह प्रति मुस्लिम महिला औसतन 3.2 बच्चे, हिंदुओं में 2.5 बच्चे और ईसाइयों में 2.3 बच्चे होते हैं। और यही वजह है कि हिंदुओं के मुकाबले भारतीय मुस्लिमों की जो जनसंख्या है वो तेज़ी से बढ़ रही है। हालांकि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 5 मुस्लिम बहुल देशों पर भारी पड़ती है, जिसमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और बांग्लादेश शामिल है। बहरहाल वर्तमान में दुनिया में ईसाई सबसे बड़ा धर्म है और इसके बाद इस्लाम का नंबर आता है। वहीं कई लोगों का ऐसा मानना है जो कि हिंदू धर्म में धर्मांतरण का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ये एक ऐसा शांति प्रिय धर्म है जो अन्य धर्मों को साथ लेकर चलता है। और यही वजह है कि अन्य धर्मों की तुलना में हिंदू आबादी बढ़ाने पर कम ध्यान देते हैं, जिसके चलते अब हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है। हालांकि जिस रफ्तार से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है उसे देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि आबादी के मामले में जहां भारत आने वाले कुछ एक सालों में पड़ोसी मुल्क चीन को पीछे छोड़ देगा, तो वहीं साल 2050 तक मुस्लिम जनसंख्या के मामले में इंडोनेशिया की जगह ले लेगा। मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार, आप सब लॉकडाउन में इस मन की बात को सुन रहे हैं। इस मन की बात के लिए आने वाले सुझाव, फोन कॉल की संख्या सामान्य रूप से कई गुना ज्यादा है। कई सारे विषयों को अपने अंदर समेट आपकी यह मन की बातें मेरे तक पहुंची हैं। मैंने कोशिश की है कि इनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाऊं, सुन पाऊं। आपकी बातों से कई ऐसे पहलू जानने को मिले हैं जिन पर इस आपाधापी में ध्यान ही नहीं जाता है। मेरा मन करता है कि युद्ध के बीच हो रही इस मन की बात में उन्हीं कुछ पहलुओं को आप सभी देशवासियों के साथ बांटूं। साथियों, भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्रिवन है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश
देश का हर नागरिक जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। आप कहीं भी नजर डालिए, आपको एहसास हो जाएगा कि भारत की लड़ाई पीपल ड्रिवन है। जब पूरा विश्व इस महामारी के संकट से जूझ रहा है, भविष्य में जब इसकी चर्चा होगी, उसकी तौर तरीकों की चर्चा होगी, मुझे विश्वास है कि भारत की यह पीपल ड्रिवन लड़ाई, इसकी जरूर चर्चा होगी। पूरे देश में, गली मोहल्लों में, जगह जगह पर आज लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आए हैं। गरीबों के लिए खाने से लेकर राशन की व्यवस्था हो, लॉकडाउन का पालन हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, मेडिकल इक्विपमेंट का देश में ही निर्माण हो, आज पूरा देश एक लक्ष्य, एक दिशा, साथ साथ चल रहा है। ताली, थाली, दिया, मोमबत्ती, इन सारी चीजों ने जो भावनाओं को जन्म दिया, जिस जज्बे से देशवासियों ने कुछ न कुछ करने की ठान ली, हर किसी को इन बातों ने प्रेरित किया है। शहर हो या गांव, ऐसा लग रहा है जैसे देश में एक बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है, जिसमें हर कोई अपना योगदान देने के लिए आतुर है। हमारे किसान भाई बहनों को ही देखिए, एक तरफ वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भी भूखा न सोए। हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है। कोई किराया माफ कर रहा है, तो कोई अपनी पूरी पेंशन या पुरस्कार में मिली राशि को पीएम कैश में जमा करा रहा है। कोई खेत की सारी सब्जियां दान दे रहा है, तो कोई हर रोज सैकड़ों गरीबों को मुफ्त भोजन करा रहा है। कोई मास्क बना रहा है, कहीं हमारे मजदूर भाई बहन क्वारंटीन में रहते हुए जिस स्कूल में रह रहे हैं उसके रंगाई पुताई कर रहे हैं। साथियों, दूसरों की मदद के लिए आपके भीतर हृदय के किसी कोने में जो ये उमड़ता घुमड़ता भाव है ना, वही वही कोरोना के खिलाफ भारत की इस लड़ाई को ताकत दे रहा है। वही इस लड़ाई को सच्चे मायने में पीपल ड्रिवन बना रहा है। और हमने देखा है पिछले कुछ साल में हमारे देश में यह मिजाज बना है, निरंतर मजबूत होता रहा है। चाहे करोड़ों लोगों का गैस सब्सिडी छोड़ना हो, लाखों सीनियर सिटीजन का रेलवे सब्सिडी छोड़ना हो, स्वच्छ भारत अभियान का नेतृत्व लेना हो, टॉयलेट बनाने हो, अनगिनत बातें ऐसी है। इन सारी बातों से पता चलता है हम सबको एक मन, एक मजबूत धागे से पिरो दिया है, एक होकर देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा दी है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं पूरी नम्रता पूर्वक, बहुत ही आदर के साथ आज 130 करोड़ देशवासियों की इस भावना को सर झुका करके नमन करता हूं। आप अपनी भावना के अनुरूप देश के लिए अपनी रुचि के हिसाब से अपने समय के अनुसार कुछ कर सके, इसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। ये प्लेटफॉर्म है covidwarriors.gov.in। मैं दोबारा बोलता हूं, covidwarriors.gov.in। सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम सामाजिक संस्थाओं के वॉलेंटियर्स, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन को एक दूसरे से जोड़ दिया है। बहुत ही कम समय में इस पोर्टल से 1.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इनमें डॉक्टर, नर्सिस से लेकर हमारी आशा, एएनएम बहने, हमारे एनसीसी, एनएसएस के साथी, अलग अलग फील्ड के तमाम प्रोफेशनल्स, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है। ये लोग स्थानीय स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाने वालों में और उसकी पूर्ति में भी
बहुत मदद कर रहे हैं। आप भी covidwarriors.gov.in से जुड़कर देश की सेवा कर सकते हैं, कोविड वॉरियर बन सकते हैं।